Hi everyone, good morning. Welcome to Unacademy Neet, guys. Welcome to yet another session of Fast Track Revision, which is running on this channel totally free of cost. And aaj hum complete karne wale hain apni class 11th ki biology, because beta hamara last jo chapter ka chota sa portion bacha tha, that is cockroach. We have completed the biggest portion, that is human physiology in detail. Then we had also completed biomolecules. We have completed the most disliked chapter, that is animal kingdom. We have completed animal tissues. बस एक छोटा सा portion रहता था, that was cockroach. तो cockroach बेटा आज हम cover करने वाले हैं. अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं chapter कौन सा है. Chapter बेटा है structural organization in animals. And ये chapter में आपके पास animal tissues है, earthworm है, cockroach है, frog है. बेटा earthworm और frog आपके syllabus में नहीं है. सिर्फ हमने क्या करना है, cockroach करना है. But yes, मैं आप सबको फिर भी advice दूंगी कि paper में जाने से पहले एक बारी अर्थवॉर्म और फ्रॉग की रीडिंग भी आप लोग अपनी एनसीईआरटी से जरूर ले लेना, जरूर ले लेना. ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. तो जो बच्चे मैम को नहीं जानते हैं, माय नेम इज सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अनअकैडमी नीट. आप एवरी डे मैम के साथ क्लासेस लेते हो. टाइमिंग्स क्या रहते हैं बेटा? टाइमिंग्स हमारे रहते हैं 10 AM ऑन यूट्यूब. ठीक है, अब तो आपको पता ही चल गया 10 AM ऑन यूट्यूब. एंड बेटा इसी की प्रैक्टिस क्लास होती है 1:20 PM ऑन आवर स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लास अनअकैडमी की ऐप पर होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है. न्यू NTA पैटर्न पर हम वहां पर टेस्ट कर रहे हैं. आज मैंने आपकी दो की जगह एक ही क्लास रखी है. रीजन आप लोग जानते हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर हाउ आई एम गन फील आफ्टर द वैक्सीनेशन. बट येस, तो आज मैंने एक क्लास तो रखी है जिसका लिंक मैंने आपके साथ पिन कर दिया है चैट बॉक्स में. तो साइमल्टेनियसली उस क्लास में जाकर क्या कर लेना, आप लोग एनरोल कर लेना. ठीक है, सब बच्चे एनरोल कर लेंगे 1:20 PM वाली क्लास पे. और एज यू नो दैट दिस कोर्स इज एवर रनिंग कोर्स. यहाँ पे कोई सैटरडे संडे हम नहीं देखते हैं. एवरी डे वी ट्राई टू कम लाइव, एंड नॉट जस्ट मी, माई होल टीम ट्राइज टू कम लाइव, सो दैट आपका एक भी चैप्टर कहीं भी मिस ना हो. ठीक है, और जो बच्चे अपने क्लास 11th के हैं या फिर अभी जो क्लास 11th में हैं, जिन्होंने 2023 या फिर 2022 में नीट में अपियर होना है, देखिए उनके लिए मैम बैचेस ले रही हैं. तुम ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे सीनियर्स की ही सुनी जा रही है, तुम्हारे पे भी पूरा ध्यान है बेटा. एवरी डे प्लस कोर्स होता है मैम का. दो प्लस कोर्स चल रहे हैं. पहला प्लस कोर्स बेटा जी हमारा है संजीवनी, जैसा कि आप देख रहे हैं. देन सेकेंड प्लस कोर्स इज विजय भाव बैच. तो ये दोनों कोर्सेज में आप लोग एनरोल कर सकते हो. रेगुलर क्लासेस होती हैं. 11th और 12th का डिटेल कवरेज हो रहा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑल द डाउट सॉल्विंग. एंड एक बात और बताऊं, हमारे प्लस बैचेस में अब आप मेरे से ऑडियो में भी बात कर सकते हो. पहले इट वॉज नॉट पॉसिबल, आपको ऑनलाइन की फील ऑनलाइन ही लगती थी. अब आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील आने वाली है विद दीज अपडेटेड प्लस क्लासेस. तो एनरोल कर लेना बेटा जी बाई यूजिंग कोड सीप लाइफ. ठीक है, यस, स्टार्ट करें. ओके, शुड वी स्टार्ट विद द कॉकरोच? बेटा हो जाएगा. वर्षा, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस भी मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपको करा दूंगी. यस, एवरीवन इज फिल्ड विद एनर्जी. जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए. हाँ, शिवांश इज लाइक, हम जल्दी कीजिए, पढ़ना है हमें. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. कॉकरोच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. सबसे पहले कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे. यस, दैट इज पेरी प्लानेटा अमेरिकाना. यस, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना. ठीक है, बड़ा ट्रेंडी कॉकरोच है बेटा, है ना, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना. ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच. कौन से फाइलम में आता है, एनिमेलिया में, कौन से किंगडम में आता है, एनिमेलिया में. फाइलम कौन सा बेटा जी इसका, ऑर्थ्रोपोडा. यस, द फाइलम हियर इज गोइंग टू बी ऑर्थ्रोपोडा. ठीक है बेटा जी. एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लास, क्लास इट बिलोंग्स टू द लार्जेस्ट क्लास, दैट इज इंसेक्टा. ठीक है, तो आज हमने कॉकरोच के कुछ जनरल फीचर्स करने हैं. आज बेटा हमने कॉकरोच के कुछ सिस्टम्स के बारे में भी जानना है. ह्यूमन का सिस्टम पढ़ने में तो हमने इतना समय लगा दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग चैप्टर, रेस्पिरेटरी का अलग, बट भाई कॉकरोच का सारे सिस्टम हम एक ही दिन में कवर कर डालेंगे. ठीक है, सबसे पहले कॉकरोच की नेचर कैसी है. भाई कॉकरोच रात में ज़्यादा दिखते हैं. आप लोग बाथरूम में जाते हो, अचानक से डर जाते हो रात में, है ना, एक तो नींद में से उठे और ऊपर से डर गए. सो कॉकरोचेज दे आर एक्टिव मोस्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नॉकटर्नल.
क्या बोलते हो इनको, नॉक्टर्नल बोलते हो। एंड बेटा अपनी लातों की हेल्प से ये लोग दौड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कर्सोरियल, है ना, कर्सोरियल। डरे हो कि नहीं डरे हो? यस। एंड दे कैन फीड ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग, कुछ भी खा लेते हैं बेटा। अब इनको वेजिटेबल्स मिल जाए वो भी खा लेंगे, लेदर भी खा लेंगे, क्लोथ भी खा लेंगे, प्लस जरूरत पड़ने पर दे कैन ऑल्सो फीड ऑन द मेंबर्स ऑफ देयर ओन फैमिली ओनली। डेड बॉडीज ऑफ द कॉकरोच को भी कंज्यूम कर जाते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैनिबल्स, ठीक है। ऑल्दो दे आर ओमनिवोरस, कुछ भी खा सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ देयर मेट्स, यस कैनिबल्स, कैनिबलिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा जी कॉकरोच की। बाकी कलर तो आपको पता ही है, ब्लैक से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन से कलर का होता है कॉकरोच, राइट। तो देख लेते हैं एक बार कॉकरोच के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। ये देखिए बेटा, कॉकरोचेस दे आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स, समझ गए। इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा, हाँ जी ये भी समझ गए। ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन के भी कॉकरोच पाए जाते हैं। एक बच्चे ने मुझे फोटो भेजी थी यार येलो कलर के कॉकरोच की, इट वॉज वेरी स्केरी, है ना। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1.4 to 3 inches, 3 inch के ही होते हैं, 3 inch देखे ना स्केल पे। एंड बॉडी की बात करें तो दे हैव गॉट अ लॉन्ग एंटीना, इनके हेड पर एंटीना होगा, इनकी चलने के लिए लेग्स भी होंगी। एंड बेटा फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। अब रात में जागने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है, नॉक्टर्नल। आप में से भी आधे लोग क्या होंगे, नॉक्टर्नल, रात में ज्यादा एक्टिव होंगे, है ना, हो सकता है। एंड दे कैन ईट ईच एंड एवरी थिंग, ओमनिवोरस, सब कुछ खा लेते हैं, प्लांट डाइट भी खा लेते हैं, एनिमल डाइट भी खा लेते हैं। एंड यूजुअली दे आर फाउंड इन लिटिल बिट वेट एरियाज, डैम्प एरिया, तभी आप देखो आपको कॉकरोच मिलेंगे आपके किचन की सिंक के अराउंड या फिर बाथरूम में। दोनों एरियाज क्या है, डैम्प है, हल्के गीले एरियाज हैं, राइट। एंड दे हैव बिकम द रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स, प्लस दे आर सीरियस पेस्ट एज वेल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बाहर से कॉकरोच कैसा दिखता है, हाउ डज कॉकरोच लुक फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड की बात करें तो इट इज एक्चुअली 34 to 53 mm इन लेंथ। बेटा इसके पास चलने के लिए लेग्स हैं, उड़ने के लिए क्या है, विंग्स हैं। उड़ते हुए देखा है बेटा कॉकरोच को, ज्यादा स्कैरी लगता है, चलते हुए तो लगता ही है लेकिन उड़ते हुए बेटा जान निकल जाती है, यस। एंड द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड क्यों होगी बॉडी, खुद बताइए, क्योंकि बेटा कॉकरोच बिलोंग करता है टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, एंड ऑर्थ्रोपोडा का तो फीचर ही है दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्या होना, जॉइंटेड अपेंडेजेस होना, यस। सो इट इज गोइंग टू बी सेगमेंटेड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, कौन से थ्री रीजन्स, देर आर गोइंग टू बी थ्री रीजन्स बेटा जी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द हेड, फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज द हेड, देन वी हैव नेक्स्ट सेगमेंट विच इज कॉल्ड एज द थॉरिक्स, एंड द थर्ड सेगमेंट द लॉन्ग वन इज कॉल्ड एज द एब्डोमेन। हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, इस तरीके से सेगमेंट्स है। अब हेड अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, थॉरिक्स को देखें, थॉरिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स, ठीक है। एब्डोमेन में देखिए, एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स, यस गाइस। सो तीन सेगमेंट्स होंगे बेटा, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। एंटायर बॉडी, ध्यान देना, ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा की जो पूरी बॉडी है, एक्सोस्केलेटन है, वो किससे बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है बेटा जी, काइटिन का बना हुआ है। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, टॉकिंग अबाउट देयर एक्सोस्केलेटन, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब बेटा काइटिन की शीट्स इनके, यू नो इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, बॉडी के डॉर्सल साइड पे, बॉडी के वेंट्रल साइड पे एंड बॉडी के लेटरल साइड पे अलग अलग प्लेट्स हैं। डॉर्सल तो समझते हो कॉकरोच की बैक साइड, वेंट्रल जो जमीन को टच करती है, एंड ये हो जाएंगी लेटरल साइड्स, लेफ्ट और राइट साइड इज द लेटरल साइड, ठीक है। सो द काइटिन की जो प्लेट्स हैं, द प्लेट्स आर कॉल्ड एज स्क्लेराइट्स, द प्लेट्स बेटा जी दे आर कॉल्ड एज स्क्लेराइट्स। अब अगर डॉर्सल वाली स्क्लेराइट की बात करोगे, दैट इज कॉल्ड एज टर्गाइट, क्या नाम है बेटा डॉर्सल वाले का, टर्गाइट। वेंट्रल वाला जो आगे वाली साइड है उसका क्या नाम है, स्टर्नाइट।
लैटरल वाले का नाम बेटा जी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। लैटरल वन लैटरल प्लेट इज कॉल्ड एज प्लूराइट, ठीक है। अब ये जो है डॉर्सल बेटा टर्गाइट स्टर्नाइट एंड प्लूराइट, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कैसे जुड़े हुए हैं? बाय अ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। याद रहेगा सबको, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है बेटा, डॉर्सल साइड पे कौन सी प्लेट है? टर्गाइट स्टर्नाइट प्लूराइट कनेक्टेड बाय ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉकरोच दिखता है, देख लीजिए बेटा, है ना, बहुत जिसको पसंद होगा तो ठीक है। यस, सो देर आर थ्री पार्ट्स एज यू कैन सी, दिस इज द हेड पोर्शन, देन दिस इज द थॉरिक्स पोर्शन, एंड ये जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। अब थॉरिक्स के आगे पार्ट्स की बात करें, सबसे पहला पार्ट ऑफ द थॉरिक्स इज कॉल्ड एज प्रोथॉरिक्स, देन मीजोथॉरिक्स, एंड देन आपके पास आता है मेटाथॉरिक्स। तीनों थोरैसिक सेगमेंट से क्या निकलता है? पेयर ऑफ लेग्स बेटा, तीनों थोरैसिक सेगमेंट से क्या निकलता है? पेयर ऑफ लेग्स। कितनी लेग्स हुई बताइए, कम ऑन गाइस, हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन कॉकरोच? मैंने बोला तीनों थोरैसिक सेगमेंट से पेयर ऑफ लेग्स निकलते हैं, हाउ मेनी लेग्स? वैष्णवी 2022 का बैच खत्म भी होने वाला है, मैंने पूरा चैप्टर सिलेबस करा दिया है, शाम को 6 बजे का टाइमिंग्स थे, बस एक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक बच गया है, वो मैं इस मंथ करा दूंगी। हाँ जी, कितने लेग्स हुए? यस, पेयर ऑफ लेग इज प्रेजेंट इन ईच थोरैसिक सेगमेंट एंड देर आर थ्री थोरैसिक सेगमेंट्स, 2+2+2, दैट इज 6 लेग्स आर देयर इन कॉकरोच। अब ये जो आपका मीजोथॉरिक्स है और मेटाथॉरिक्स है, यहां से क्या निकलते हैं बेटा? उड़ने के लिए विंग्स भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? विंग्स भी निकलते हैं। तो विंग्स जो निकलते हैं वो सिर्फ दो थोरैसिक सेगमेंट से निकलते हैं, है ये पेयर ऑफ विंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ विंग्स कितने हो गए बेटा? दो आपके फोर विंग हो जाएंगे, एंड दो क्या हो जाएंगे बेटा जी? आपके हाइंड विंग्स हो जाएंगे। तो कितने विंग्स हुए आपके पास? 4, 6 लेग्स और आपके पास हुए 4 विंग्स। यस गाइस, सो द फोर विंग इज कॉल्ड एज स्टेगमीना, एंड दिस इज द हाइंड विंग विच इज कॉल्ड एज मेटाथोरेसिक विंग। अब दोनों विंग्स उड़ने के काम नहीं आते हैं, दोनों विंग्स उड़ने के काम नहीं आते हैं। ये जो आपको हार्ड सा विंग दिख रहा है, ये सिर्फ कवर करता है, प्रोटेक्टिव विंग है, डार्क है, ओपेक है, नीचे वाले विंग को कवर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो बेटा जी आपको हाइंड विंग दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेम्ब्रेनस विंग, दिस इज द विंग विच एक्चुअली हेल्प्स इन फ्लाइंग। तो कॉकरोच जब चल रहा होता है ना, तब आपको इसका हाइंड विंग दिखता ही नहीं है, ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और उसके ऊपर कौन कवर करके रखा है इसको? आपका टेगमीना। यस, समझ रहे हो? दिस इज द फोर विंग, दिस इज द हाइंड विंग। हाइंड विंग हेल्प्स इन फ्लाइंग बट इट रिमेन्स इन फोल्डेड फॉर्म जब कॉकरोच चल रहा है, और उसको तब कवर कौन करके रखता है? आपका टेगमीना कवर करके रखता है, दैट इज योर फोर विंग कवर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीजोथोरैसिक विंग। तो आपका थॉरिक्स की बात हो गई, तीन पेयर ऑफ लेग्स, दो पेयर ऑफ विंग्स। देन आ जाइए बेटा जी आप एब्डोमेन पे, ये आपका सारा क्या है? एब्डोमेन। हाउ मेनी एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर देयर? 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर देयर, ठीक है, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। अगर आप बात करोगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, नीचे देखिए, नीचे देखेंगे तो आपको मिलेंगी कुछ एक्सटेंशंस, कुछ बाहर आता हुआ रीजन्स। पहला आपको दिखाई दे रहा है बेटा जी यहाँ पर एनल सर्काई। क्या दिख रहा है? एनल सर्काई। अगर यहाँ पर एक और एक्सटेंशन प्रेजेंट होती इस तरीके से, जिसका नाम होता है एनल स्टाइल, वो सिर्फ आपको किस में मिलता है? जो लोग स्टाइल मारते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द मेल कॉकरोच। सिंस एनसीईआरटी के डायग्राम में इन्होंने एनल स्टाइल नहीं दिखाया, तो यार ये डायग्राम किसका हो गया? ये डायग्राम बन जाएगा आपका फीमेल कॉकरोच का। अगर ये मेल कॉकरोच का डायग्राम होता तो एनल सरकाय के साथ साथ कौन प्रेजेंट होता? एनल स्टाइल भी। याद रखना बेटा, स्टाइल कौन मारते हैं? मेल मारते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो एनल स्टाइल्स, दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ ओनली मेल कॉकरोचेस। इसी एनल स्टाइल की हेल्प से आप बाहर से पहचान सकते हो विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, है ना, बाहर ही दिख रहा है आपको एनल स्टाइल। दिस प्रॉपर्टी कल बात की थी बेटा जी, इफ यू कैन रिकॉग्नाइज द सेक्स फ्रॉम आउटसाइड, दैट प्रॉपर्टी बेटा जी इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेक्सुअल
डायमॉर्फिज्म, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मेल स्टाइल मारते बेटा, फीमेल्स नहीं मारती है, याद रखना। चलिए वन बाय वन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है बेटा हेड। हेड की बात करें तो हेड इज एक्चुअली ट्राइंगुलर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा जी? इट्स अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। इट इज लाइंग एट परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, ठीक है। अगर बॉडी ऐसे है तो हेड ऐसे है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तभी यहाँ पर लिखा है एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। एक्चुअली में जो हेड है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। टोटल 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स होती है बेटा एम्ब्रियो में, जो फ्यूज करके क्या बनाती है, कॉकरोच का हेड बनाती है। अब ये जो आपका हेड है, देयर वाज अ हेड, यहाँ पर छोटा सा क्या प्रेजेंट होगा, नेक प्रेजेंट होगा, जिसकी हेल्प से बेटा कॉकरोच अपने हेड को मूव कर पाता है। सो मोबिलिटी इज ऑलवेज ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। यस, इतना समझ आ गया? एक एक लाइन बेटा, मैं एक बात बता दूं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बायोलॉजी में जिसमें एनसीईआरटी से बाहर तो आ ही नहीं सकता है, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर। फिजियोलॉजी में फिर भी बोलूंगी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जेनेटिक्स में मैं बोलूंगी आ सकता है एनसीईआरटी से बाहर, बट यहां पर नहीं आ सकता। दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए उसका, किसी भी वर्ड में से क्वेश्चन कैन कम आउट। सो हम इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड यहां पर समझ रहे हैं। यस गाइस, ठीक है। हाँ जी, कितनी एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स फ्यूज करके बनता है? 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। हेड इज गोइंग टू बियर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक तो बेटा इसके पास प्रेजेंट होंगे कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज की अगर बात करें बेटा, इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड आईज, कितनी है? 2। सो दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। किडनी शेप्ड आई है and they consist of hexagonal unit which are called as ommatidia. Ommatidia, ठीक है, ommatidia। अब एक आंख के पास कितने ommatidia है, कितने ये hexagonal unit है? That is बेटा जी 2000 per eye, 2000 per eye। एक इधर, 2000 इधर, 2000 इधर। हर ommatidia बेटा एक इमेज बनाने की क्षमता रखता है। हर ओमेटिडिया बेटा इमेज बनाने की क्षमता रखता है। तो बड़ी सारी इमेजेस बनती है जब कॉकरोच किसी भी चीज को देखते हैं, एंड दे आर यूजुअली फंक्शनिंग ड्यूरिंग डिम लाइट। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट की इतनी सारी इमेजेस बनती हैं, दैट विजन इज कॉल्ड एज मोजेक विजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोजेक विजन। याद रहेगा किस पे प्रेजेंट है? आई पे प्रेजेंट है। आ जाइए, देन a pair of thread-like antenna also arises from the sockets in front of the eyes. Head में eyes के आगे क्या दिखता है आपको? Antennas दिखते हैं, दिख रहे हैं बेटा? Antenna. Actually में antenna is a segmented structure. ऐसा दिखता है antenna. Let me just draw the antenna. So antenna is present or arising from a socket. ठीक है, इस तरीके से. Segmented है. क्या present है बेटा? सेगमेंट्स प्रेजेंट है। दिस इज द सॉकेट फ्रॉम वेयर एंटीना इज अराइजिंग। अब इस एंटीना का काम क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक इज द फंक्शन ऑफ द एंटीना? ऐसे शो के लिए थोड़ा बनाए हुए हैं। आजकल लड़कियों ने वो हेयर बैंड लगाने शुरू कर दिए एंटीना वाले, उनके तो शो वाले हैं, किसी काम के नहीं है। बट कॉकरोच में ये एंटीना शो के नहीं लगे हुए बेटा। इनके दो फंक्शन है, दे आर हैविंग टच रिसेप्टर्स, दैट मीन्स दे आर हैविंग टेक्टाइल रिसेप्टर्स, एंड दे आर हैविंग ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री, ठीक है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स एज वेल एज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है। टच से रिलेटेड टेक्टाइल एंड स्मेल से रिलेटेड ऑल फैक्शन। यस, ये देखिए, सो दे हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। बेटा इस एंटीना की हेल्प से इनको पता चलता है आसपास खाना है। स्मेल करेंगे ना, स्मेल करेंगे तो इनको अंदाजा हो जाएगा कहाँ पर फूड इज अवेलेबल। टच करेंगे तो भी इनको अंदाजा हो जाएगा कहाँ पर फूड इज अवेलेबल। तो अपने एनवायरनमेंट के बारे में, फूड की अवेलेबिलिटी के बारे में पता लगाने का काम किसका है? एंटीना का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। देन द एंटीरियर हेड विल बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग द बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। कैसे माउथ पार्ट है बेटा? बाइटिंग एंड चुइंग, सक नहीं करते, बाइट करेंगे और चबाएंगे, बिल्कुल हमारी तरह, हम भी बाइट करते हैं और चबाते हैं। अब माउथ में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है? इधर आ जाइए बेटा, दिस इज अबाउट द माउथ पार्ट्स। माउथ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, अपर लिप, लोअर लिप, टंग एंड द कटिंग एपरेटस।
अपर लिप क्या है बेटा इनका? लेब्रम. लेब्रम इज द नेम गिवन टू द अपर लिप. लोअर लिप क्या है इनका? लेबियम. लेब्रम, लेबियम. टंग क्या है बेटा? ये जो बीच में टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज हाइपोफेरिंग्स. क्या है बेटा जी टंग? हाइपोफेरिंग्स. क्लियर? इतने पार्ट्स क्लियर. एक अपर लिप, एक लोअर लिप और एक क्या प्रेजेंट है बेटा जी? टंग. और साथ ही में आपके पास ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए क्या प्रेजेंट है? मैंडिबल्स एंड मैक्सिले. देयर इज अ पेयर ऑफ मैंडिबल एंड देयर इज अ पेयर ऑफ मैक्सिले. कितने हो गए? हाउ मेनी टोटल माउथ पार्ट्स आर देयर? गिन के बता दो, गिन के बताइए बेटा. ये देखिए मैंडिबल के पास ग्राइंडिंग रीजन लिखा हुआ है, इनसाइजिंग रीजन लिखा हुआ है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच माउथ पार्ट्स हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड कटिंग दैट पार्ट. सो दैट इज गोइंग टू बी द मैंडिबल. हाँ जी, हाउ मेनी माउथ पार्ट्स? 9 दिख रहे हैं? ध्यान से देख लो यार, मैथ्स लगाओ थोड़ी सी. हाउ मेनी यू कैन सी ओवर हियर? यस स्नेहा, 4 कहां से लग रहे हैं? मैंडिबल भी तो 2 हैं, मैक्सिले भी तो बेटा 2 हैं. तो 1 लेब्रम, 1 लेबियम, 1 हाइपोफेरिंग्स, 2 मैंडिबल एंड 2 मैक्सिला. टोटल इज गोइंग टू बी 7. यस गाइस, टोटल इज गोइंग टू बी 7. चलिए लेट अस रीड अबाउट दिस. सो द माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेबियम, लेब्रम, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर ऑफ मैक्सिले. पेयर पेयर ही गिने ना हमने, दो दो गिने. एंड मीडियन फ्लेक्सिबल रोप विच एक्ट्स एज अ टंग. ये क्वेश्चन आ चुका है, टंग की तरह कौन काम करता है? हाइपोफेरिंग्स. एंड लेट मी टेल यू, दिस डायग्राम कैन ऑल्सो कम फॉर लेबलिंग. तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा लेब्रम है, कौन सा लेबियम है. ठीक है, ये बात हो गई सारी आपके हेड रीजन की. हेड के बाद आते हैं बेटा जी आपके थॉरिक्स के बारे में. ठीक है, थोरेसिक रीजन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ठीक है, 3 पार्ट्स. पहला प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स. ये आपको पता चल गया है कि थोरेसिक रीजन में आपके पास 3 पार्ट्स होंगे. अगर ये आपका थोरिक्स है, सो देयर इज गोइंग टू बी फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्रो, मीजो एंड मेटा. ठीक है, हर थोरेसिक सेगमेंट से क्या निकलता है बेटा? वॉकिंग लेग्स. अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग विल कम फ्रॉम ईच थोरेसिक सेगमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरिक्स एंड सेकेंड पेयर विल अराइज फ्रॉम द मेटाथोरिक्स. तो एक तो पेयर बेटा जी आपका आ रहा है यहां से, देख रहे हो? यस, फर्स्ट पेयर इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द मीजोथोरिक्स लाइक दिस एंड सेकेंड पेयर इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द मेटा. फ्लाइंग में कौन सा हेल्प करता है बेटा? बड़ा वाला. दिस इज द वन विच एक्चुअली हेल्प्स इन द फ्लाइंग. और इसका क्या काम है? प्रोटेक्शन. ठीक है, जब उड़ नहीं रहे हैं तब फ्लाइंग वाला फोल्डेड है और ऊपर से ये हार्ड वाला, डार्क वाला, ओपेक वाला विंग उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. लेग्स कहां पर है बेटा? लेग्स तीनों में प्रेजेंट है लाइक दिस. देयर इज गोइंग टू बी अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग फ्रॉम प्रो, मीजो एंड मेटा. अगर आपकी लेग को ध्यान से देखा जाए, इफ आई टॉक अबाउट द लेग, देन इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ दीज सेगमेंट्स. ध्यान देना बेटा जी लेग के बारे में. हाँ जी बिल्कुल ठीक जागृति, बिल्कुल ठीक. आई एम रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स गाइज. अगर आपको लगता है कि मैम कॉमेंट नहीं देखती हैं, तो आपके ना बहुत बड़ी भ्रांति है ये. आई पे अटेंशन. और जब मुझे बहुत ज्यादा वो दिखता है, क्या कहते हैं, नॉइस, डिस्टर्बेंस, then I ignore also. ठीक है, but when I see people answering these things in the comment box, then I really like that thing. ठीक है, so सबसे पहले बेटा जी आपके पास present है coxa. So the first segment in the walking leg is going to be coxa. Then you are going to find the femur. यहाँ पे इसका क्या नाम है बेटा जी? Femur. Femur और coxa आपस में attached हैं by another segment which is called as trochanter. ठीक है, देन फीमर से बेटा जी आगे निकलती है आपकी लॉन्ग सेगमेंट, द लॉन्गेस्ट वन, विच इज कॉल्ड एज द टिबिया. दिस इज कॉल्ड एज टिबिया. देन टिबिया के आगे निकलेगी बेटा और सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज टार्सस. दिस इज कॉल्ड एज बेटा जी टार्सस. टार्सस में जो आपका लास्ट सेगमेंट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज प्री टार्सस. एंड इस प्री टार्सिस के पास ऐसे यू नो एडहेसिव पैड्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज एरोलियम. एरोलियम
तो अगर मैं लेग को देखूं, कॉकरोच के लेग को देखूं, तो इसके पास इंटर्न कितने सेगमेंट्स है? एक कॉक्सा है, एक ट्रोकेंटर है, एक फीमर है, एक टिबिया है और एक टार्सस है. हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4, 5. टोटल देयर आर 5 सेगमेंट्स इन द लेग ऑफ द कॉकरोच. कितने सेगमेंट्स हुए बेटा? 5 सेगमेंट्स इन द लेग ऑफ द कॉकरोच. याद रहेगा सबको? चलिए, लेग की बात हो गई, अब बात करते हैं विंग्स की. विंग्स मैंने आपको बताए, जो 4 विंग्स हैं वो मीजोथोरिक्स से आते हैं, ठीक है. उनका दूसरा नाम क्या है? टेगमीना. दे आर लेदरी, दे आर डार्क एंड दे आर गोइंग टू कवर द हाइंड व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. वो कवर करके रखेंगे फ्लाइंग वाले को. जबकि हाइंड विंग्स बेटा जी ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड दे आर यूज्ड इन फ्लाइट. याद हो गया आपको. अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सेगमेंट की, दैट इज एब्डोमेन. एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं बेटा जी? 10 सेगमेंट हैं. अब फीमेल और मेल के एब्डोमेन में अंतर क्या है? इन फीमेल एब्डोमेन 7 स्टर्नम. स्टर्नम समझ रहे हो? वेंट्रल वाली स्क्लेराइट, दैट इज स्टर्नम. इट इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद 8th एंड 9th इट इज गोइंग टू फॉर्म द जेनाइटल पाउच. इसका डिटेल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी करेंगे, ठीक है. साथ ही में मेल्स में बात करें, जेनाइटल चेंबर लाइज एट द डॉर्सल साइड बाय 9th एंड 10th टर्गा. इट कंसिस्ट ऑफ एनस. एनस में से डाइजेस्टिव वेस्ट आएगा. वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनापोफाइसिस. गोनापोफाइसिस बेटा जी इट्स द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ मेल कॉकरोच, ठीक है. मेल विल बियर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेल विल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एबसेंट इन फीमेल्स. स्टाइल मारने का काम किसका है बेटा? मेल्स का. फीमेल्स तो बेटा दे आर वेरी सोबर, है ना, लाइक अस. यस. So in both the sexes, 10th segment is going to bear a pair of jointed appendages which is called as anal cerci. अब anal cerci तो दोनों में, anal cerci तो बेटा दोनों में है, तो इसका काम क्या है? It is there to detect the sound vibrations. ठीक है, साउंड की vibrations को डिटेक्ट करेगी. ये काम है anal cerci का. दोनों में होता है. स्टाइल किस में होता है? मेल्स में होता है. चलिए, ये बात हो गई अपना. देन बात करते हैं बेटा जी सिस्टम्स. वन बाय वन सारे सिस्टम आएंगे. सबसे पहला सिस्टम जो हम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द डाइजेस्टिव सिस्टम. रेडी है सब बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए? एवरीवन एक बार ही बता दो चैट सेक्शन में, सेशन समझ आ रहा है. इफ यू आर लाइकिंग दिस देन डू हिट द लाइक बटन एंड साथ ही में चैट सेक्शन में हार्ट्स के साथ बता दो अगर आपने लाइक कर दिया तो. हाँ हाँ बेटा समझ गए. जो मार रहे हैं स्टाइल मारेंगे वो मानेंगे थोड़ा, है ना. कोई मानता थोड़ा दैट आई एम स्टाइलिश. बेटा तुम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो. मेल पीपल दे कैन टेक इट पॉजिटिवली, लाइक वी आर स्टाइलिश, यू कैन एक्सेप्ट इट. बीइंग स्टाइलिश इज अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, है ना. यस, हाँ जी, ठीक है. चलिए आगे आ जाइए. सो स्टार्टिंग विद बेटा जी द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. लेट मी जस्ट टेल यू ओवर हियर. डाइजेस्टिव ट्यूब है हमारे पास. 3 हिस्से हैं इसके. सबसे पहला हिस्सा है बेटा जी फोरगट, देन मिडगट, इंसेक्ट है ना, एंड देन है बेटा जी आपका हाइंडगट, ठीक है. फोरगट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमोडियम. मिड गट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिजेंटरॉन एंड हाइंड गट इज कॉल्ड एज प्रोक्टोडियम, ठीक है. फोरगट और मिडगट जो है बेटा आपकी, फोरगट और हाइंडगट जो है दे आर लाइंड बाय क्यूटिकल. दे आर लाइंड बाय क्यूटिकल. ये वाली और ये वाली बेटा जी दिस इज लाइंड बाय क्यूटिकल. तो मैं यहां पे लिख देती हूं, दीज टू दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म एंड दे आर लाइंड बाय क्यूटिकल. जबकि मिजेंट्रॉन या फिर मिडगट के पास क्यूटिकल नहीं है, क्यूटिकल नहीं है. अब इनके पास प्रेजेंट क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो ड्रॉ करके देख लें या फिर इधर ही दिखा दूं. यस, सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब. डाइजेस्टिव ट्यूब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ
माउथ, ठीक है, इंजेशन करेंगे. कैसा माउथ है आपने देख लिया है, माउथ इज गोइंग टू बी बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है जिसमें. माउथ से बेटा इंजेशन करने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, ठीक है. फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ जाएगी एक शॉर्ट ट्यूब विच इज कॉल्ड एज इसोफेगस. ये देख रहे हो, दिस इज द इसोफेगस. इसोफेगस के बाद बेटा ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर जहां पे स्टोरेज होती है, सबसे बड़ा पार्ट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप. क्या बोलोगे इसको, क्रॉप. देन क्रॉप के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें टीथ प्रेजेंट है, सिक्स काइटिनस टीथ, काइटिन के बने हुए टीथ है. तो बेटा क्या करेंगे, ग्राइंडिंग, जी फॉर ग्राइंडिंग, जी फॉर इसका पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज गिजर्ड. यहां से लेकर यहां तक, गिजर्ड तक, दिस इज कॉल्ड एज फोरगट. इतने हिस्से को आप क्या बोलते हो, इतने हिस्से का नाम है बेटा जी फोरगट, ठीक है. देन आपके पास आता है ये कॉइल स्ट्रक्चर, दिख रहा है, कैन यू सी दिस कॉइल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज मेसेंटेरॉन और मिडगट. क्या नाम है इसका, मिडगट. मिडगट के बाद आता है ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें है इलियम, कोलोन, रेक्टम. ये ऑर्डर याद रखना है, कैसे याद रखते हैं मेरे बच्चे, ICR, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम. और ये तीनों किसका पार्ट रहेंगे, आपकी हाइंड गट का पार्ट रहेंगे, ठीक है. अब बड़े ध्यान से देखना, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये दिख रही है, ये कुछ ट्यूब सी फेदरी सा स्ट्रक्चर बाहर आता हुआ दिख रहा है. एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड हाइंड गट वी हैव गॉट सम एक्सटेंशंस विच आर कॉल्ड एज हिपैटिक सीके. क्या है ये, हिपैटिक सीके बेटा प्रेजेंट है. कितने हिपैटिक सीके प्रेजेंट होंगे जरा बताइए, कितने दिख रहे हैं आपको, 6 to 8, ज्यादा नहीं होंगे, 6, 8, 10 बस. दीज आर कॉल्ड एज हिपैटिक सीके. एंड ये जो हिपैटिक सीके हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम इन टू द मिडगट. तो मिडगट बन जाएगा आपका मेन एरिया ऑफ द डाइजेशन. देन आ जाइए बेटा एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, यू विल सी वेरी थिन एक्सटेंशन. ये तो बिल्कुल धागे की तरह दिख रही है, और कितनी होती है, 100 से 150. दीज आर कॉल्ड एज मालपिजियन टिब्यूल्स. Malpighian tubules, these are excretory structure of cockroach. ये body से बेटा waste उठाएंगी, excretory waste उठाएंगी, nitrogenous waste उठाएंगी, और किस में डाल देंगी, hind gut में. तो बेटा cockroach के excretory system की अलग opening नहीं है, cockroach का जितना भी nitrogenous waste है वो anus के through ही बाहर जाता है. So यहाँ से nitrogenous waste आया and यहाँ पर anus के through बेटा जी body से बाहर. ये है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर, नंबर ऑफ हिपैटिक सीके, नंबर ऑफ मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. एक बार ही रीड कर ले बेटा. ये देखिए, एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिडगट, हाइंडगट. क्लियर, माउथ के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स. ये लिस्ट पता होना चाहिए, पहले क्या आता है, माउथ. माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंग्स, है ना. फेरिंग्स विल लीड टू इसोफेगस, इसोफेगस, ठीक है. इसोफेगस विल फर्दर ओपन इनटू अ बिग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज विच इज कॉल्ड एज क्रॉप. क्या नाम है बेटा जी इसका, क्रॉप. क्रॉप के बाद आता है ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हो, गिजर्ड. गिजर्ड ग्राइंड क्यों करता है, क्योंकि बेटा एक तो उसके पास सर्कुलर मसल्स है एंड उसके पास जो अंदर वाली क्यूटिकल है वो हाईली काइटिनस प्लेट्स बनाती है. कितनी, 6 काइटिनस प्लेट्स. अब काइटिन आके बेटा ग्राइंड करेगा तो चीज तो टूट ही जाएगी. इसीलिए कॉकरोच अगर हार्ड सब्सटेंस, थोड़ा सा पत्थर टाइप भी खा ले तो वो भी ग्राइंड हो जाता है. कल मैंने एनिमल किंगडम में बताया था कि ये क्रॉप और गिजर्ड किसी और क्लास के पास भी प्रेजेंट है. नाम बता दीजिए जरा क्लास का. Can you tell me the name? Can you guys tell me the name of that class or phylum, जो भी आपको याद है. हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड जागृति, वेरी गुड रुकु, यस बिल्कुल ठीक श्रुति, शालिनी, शांभवी विद द राइट आंसर. दैट इज गोइंग टू बी एव्स. एव्स के पास भी क्या प्रेजेंट था, क्रॉप और गिजर्ड. काम यही है, क्रॉप का स्टोरेज, गिजर्ड का ग्राइंडिंग, ठीक है. गिजर्ड विल हेल्प इन द ग्राइंडिंग. एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, देख लिया हमने. देन 6 to 8, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स आर देयर विच आर कॉल्ड एज हिपैटिक और द गैस्ट्रिक सीके. दिख ही रहा है आपको, ये रही हिपैटिक सीके, ठीक है. दे आर गोइंग
टू सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस. तो मेजर साइट ऑफ डाइजेशन क्या हो गया? मिडगट, क्योंकि एंजाइम्स जा ही मिडगट में रहे हैं वाया हिपैटिक सी के. देन एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट यू विल सी 150 मालपिजियन टिब्यूल्स. दे विल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. हाइंडगट में क्या प्रेजेंट होगा बेटा जी? हाइंडगट थोड़ी सी मोटी है, दिख ही रही है आपको, यहाँ पे देख लो, ये मिडगट है ना. दिस इज गोइंग टू बी मिडगट एंड हाइंडगट का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है. ठीक, चलिए यहाँ पे बेटा हाइंडगट के पास तीन हिस्से आ जाएंगे, इलियम, कोलोन, रेक्टम. लिख दूं यहाँ पे, गिजर्ड के बाद आएगा मिडगट, मिडगट के बाद आएगा हाइंडगट. हाइंडगट का स्ट्रक्चर आपको पता है, आई सी आर एंडिंग इन टू एनस. ठीक है, ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस. डाइजेस्टिव सिस्टम डन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर बेटा जी कुछ नहीं आएगा. अगला सिस्टम करते हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अगर कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सबसे पहले तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का. ओपन टाइप का मतलब दैट मीन्स ब्लड इज गोइंग टू फ्लो इन साइनसेस. साइनस मतलब ओपन स्पेस, वहां पर इनका ब्लड फ्लो करेगा. ब्लड को बोलते हैं हम हेमोलिम्फ. क्या बोलेंगे इनके ब्लड को? हेमोलिम्फ. ठीक है, सो ब्लड वेसल्स दे आर पुअरली डेवलप्ड एंड दे विल ओपन इनटू अ स्पेस जिसको मैंने क्या नाम दिया? साइनस. सिंस बेटा इनका ब्लड हेमोलिम्फ है तो ये किस में घूमेगा? हेमोसील में, है ना, हेमोसील में. सो हियर द साइनस इज कॉल्ड एज हेमोसील. अब इस हेमोसील में बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स हैं. ब्लड तो ऐसे खुला घूम रहा है, सो ऑल द विसरल ऑर्गन्स दे आर गोइंग टू बी लाइंड बाय द ब्लड. मतलब दे आर बेदिंग इन द हेमोलिम्फ, नहा रहे हैं. ओपन में ऐसा ही होता है, सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं बेटा? नहा लेते हैं उसी ब्लड में. ठीक है, यस. अब इनके ब्लड की बात करें, हेमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स. इंपॉर्टेंट, हेमोलिम्फ के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होंगे? कलरलेस प्लाज्मा, यहां पर पिगमेंट नहीं है. ठीक है, एंड हेमोसाइट्स, दीज आर द सेल्स. ठीक है, विच आर फैगोसाइटोस, फैगोसाइटिक. अब बात करते हैं बेटा इनके स्ट्रक्चर की. आ जाइए, बना देती हूँ. पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल डायग्राम बनाती हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा. ये कॉकरोच का डॉर्सल साइड है, ये कॉकरोच का बेटा वेंट्रल साइड है. दिस इज द डॉर्सल, दिस इज गोइंग टू बी द वेंट्रल. ठीक है, कॉकरोच की बॉडी के जो साइनसेस हैं मैंने तीन हिस्से में डिवाइड कर दिए हैं. आई हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट्स. ये डॉर्सल डायफ्राम है एंड ये बेटा जी वेंट्रल डायफ्राम है. पोरस है, पोरस है तभी तो ब्लड इधर से उधर जाएगा. सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज डॉर्सल डायफ्राम, डॉर्सल साइनस. डॉर्सल वाली साइड पे साइनस है एंड इस साइनस का नाम मैं रख दूंगी पेरिकार्डियल साइनस. पेरिकार्डियल साइनस, कार्डियल इसीलिए बोला क्योंकि बेटा यहां पर हार्ट प्रेजेंट होगा. हार्ट कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, पेरिकार्डियल साइनस. देन आपके पास आ जाएगा पेरिविसरल साइनस. दिस मिडल वन इज कॉल्ड एज पेरिविसरल साइनस. ठीक है, यहां पर आपकी गट प्रेजेंट होगी, कॉकरोच की गट मतलब. दिस वन इज कॉल्ड एज पेरी न्यूरल साइनस. पेरी न्यूरल साइनस. ठीक है, इधर वाली साइड कॉकरोच का हेड है, इधर वाली साइड बेटा कॉकरोच का एनस प्रस्तुत है. तो आप समझ जाना ऐसे कॉकरोच प्रेजेंट है. राइट बेटा, अब पेरिकार्डियल साइनस और पेरिविसरल साइनस के बीच में देख रहे हो ये डॉर्सल डायफ्राम प्रेजेंट है जो कि पोरस है, जिसकी हेल्प से ब्लड इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. पेरिविसरल और पेरिन्यूरल के बीच में भी एक डायफ्राम प्रेजेंट है, इसका नाम रख देंगे वेंट्रल डायफ्राम. ये भी क्या है? पोरस है, ताकि आदान प्रदान हो पाए. अब पेरिकार्डियल के पास प्रेजेंट है कॉकरोच का हार्ट. नाउ द हार्ट ऑफ द कॉकरोच इज हैविंग 13 चेंबर्स. कितने चेंबर्ड हार्ट है बेटा कॉकरोच का? 13 चेंबर्स हैं. ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. This is the heart of the cockroach. अगर मैं एक चैम्बर को बड़ा करके देखूं तो यार चैम्बर ऐसा दिखता है. ठीक है, उसके पीछे दूसरा चैम्बर. अब होता क्या है, सर्कुलेशन समझो.
ये साइनसेस में ब्लड फ्लो कर रहा है, दिस इज द पोर्शन वेयर ब्लड इज प्रेजेंट, ब्लड मतलब हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ बेटा एंटर करेगा इस चेंबर में, पीछे वाली साइड पे, पोस्टीरियर साइड है। हेमोलिम्फ इज गोइंग टू एंटर इनटू दीज चेंबर्स। कैसे एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे बिकॉज बेटा इनके पास प्रेजेंट है ओपनिंग्स। ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ओपनिंग्स बना दी, नीचे देखो यू कैन सी द ओपनिंग्स। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। क्या नाम है बेटा इनका? ऑस्टिया। इन ऑस्टिया की हेल्प से ब्लड इज गोइंग टू एंटर इन टू द चेंबर्स। समझ रहे? ऑस्टिया के थ्रू ब्लड एंट्री मारेगा। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते पीछे वाली साइड से, जहां एनस है। ऑस्टिया के थ्रू ब्लड हैज एंटर्ड इन टू द लास्ट चेंबर। लास्ट चेंबर से बेटा ब्लड फ्लो करेगा आगे वाली साइड पे। अब यार ब्लड को फ्लो कराना है, कॉन्ट्रैक्शन करानी पड़ेगी, कोई तो मसल लगेगी। यहां पर आपके पास मसल्स का सेट प्रेजेंट है, विच आर कॉल्ड एज एलरी मसल्स, फैन लाइक मसल्स है इस तरीके से। सो दीज आर फैन लाइक मसल्स, जहां जहां पे जंक्शन है वहां वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है, फैन की तरह है। अगर 13 चेंबर है हार्ट में तो ये 12 पेयर है, क्योंकि ये जंक्शन पे मिलती है। एंड दीज आर कॉल्ड एज एलरी मसल्स। क्या नाम है बेटा जी इनका? एलरी मसल्स। ये डोर्सल डायफ्राम के साथ जुड़ी होती है। जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बेटा जी, जो ब्लड है, ब्लड इज गोइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहले ब्लड विल एंटर वाया ऑस्टिया इनटू द लास्ट चेंबर, 13th से होता हुआ 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो फर्स्ट चेंबर है बेटा, इसका नाम है एंटीरियर आयोटा। दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर आयोटा। क्या नाम है बेटा इसका? एंटीरियर आयोटा। एंटीरियर आयोटा से ब्लड निकल के आ जाएगा सीधा पेरिन्यूरल साइनस में, बीच में नहीं जाएगा। यहां से चल के आ गए सबसे नीचे वाले चेंबर में, पेरिन्यूरल। और पेरिन्यूरल में आने के बाद अब ये कहां जाएगा? पेरिविसरल। पेरिविसरल के बाद बेटा फिर से पेरिकार्डियल। तो ये आपका सिस्टम चलता रहेगा। देखा बेटा, देखा? तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर ब्लड एनस से हेड की तरफ जाता है। अगर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम देखूं तो यार ये हेड है, इधर एनस है, तो यहां से लेकर इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा उल्टा, ठीक है, उल्टा, या राइट। अब आप देखना, आपको एक एक लाइन समझ आएगी। यस, सो कहां पर थे अपने? यहां पर थे। सो द हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर ट्यूब लाइंग इन द मिड डॉर्सल लाइन, सेंटर में है, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेंबर्स विद द ऑस्टिया ऑन द आइदर साइड। ऑस्टिया देख लिया आपने, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। ब्लड फ्रॉम द साइनस विल एंटर द हार्ट थ्रू द ऑस्टिया, ये भी देख लिया, एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनस। एंटीरियरली पंप करना है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। क्लियर? एक बार मैम को चैट सेक्शन में बता दो यार, इज दिस क्लियर? यस, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अगला सिस्टम आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं आपको पहले समझा देती हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल अ पेयर ऑफ स्पाइरकल्स। ये आप कॉकरोच देख रहे हो, देख लो यहाँ पे, यहाँ पे बेटा कॉकरोच के यू नो लैटरल साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे छेद है। क्या है? छेद है। दीज आर द ओपनिंग्स, देख रहे हो, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज स्पाइरकल्स। इन्हीं स्पाइरकल्स के थ्रू बेटा हवा अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, इन्हीं स्पाइरकल्स के थ्रू सामान बाहर आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इस छेद से। छेद का नाम क्या है बेटा? स्पाइरकल्स। कितने स्पाइरकल्स? 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स दे आर प्रेजेंट, 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड ऑन द वेंट्रल साइड दीज ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड एज स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स कितने हैं हमारे पास? 10 पेयर्स। 10 पेयर्स का मतलब है टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। कितने बेटा जी? 20। जिसमें से आपको इन 10 पेयर में से 3 पेयर्स मिलते हैं थॉरेक्स में, एंड बचे हुए 7 पेयर आपको कहां मिलते हैं? एब्डोमेन में, ठीक है बेटा जी। 3 पेयर कहां मिलते हैं? थोरैसिक रीजन में। यहां देख लो, यहां पर आपके थोरैसिक रीजन में 3 पेयर्स, 1, 2, 3। बाकी के सारे 7 पेयर्स कहां पर मिलेंगे आपको? एब्डोमिनल रीजन में मिलेंगे, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में मिलेंगे। स्पाइरकल से आगे बेटा चालू होता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अ ट्यूब।
दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्राकिया. क्या नाम है इस ट्यूब का? ट्राकिया. दिस ट्यूब इज एक्चुअली लाइंड बाय सिंसिशियल एपिथेलियम. देख रहे हो इस तरीके से देयर इज गोइंग टू बी सिंसिशियल एपिथेलियम. देन बेटा जी दिस ट्राकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ट्राक्यूल्स. क्या नाम देंगे बेटा जी इनको? ट्राक्यूल्स. साथ साथ चैट सेक्शन में ट्राकियोल्स आंसर आते रहने चाहिए. देन बेटा इनकी वजह से यहां पर आपको दिखने लगेगा सेल. इसका नाम है ट्राकियोलर सेल. एंड इस ट्राकियोलर सेल के बाद आपको मिलता है आपका टिश्यू. दिस इज द पोजिशन ऑफ द टिश्यू एंड यहां पे बीच में प्रेजेंट होगा टिश्यू फ्लूइड. सो दिस इज द कंप्लीट सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम ईच स्पाइरिकल. हर स्पाइरिकल से बेटा यहां पर इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं हर स्पाइरिकल से बेटा यहां पे निकलेगी ट्राकिया देन डिवाइड होके ट्राकियोल एंड वो हवा अंदर लेकर जाएगी. ठीक है बेटा जी? यस क्लियर है? क्लियर है. अब मैंने आपको बताया कि देयर आर 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स जिसमें से तीन पेयर जो हैं वो थॉरिक्स में है. सात पेयर जो हैं वो कहां पर है? एब्डोमेन में. इसमें से कुछ स्पाइरिकल ऐसे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन. रेस्ट भी कर रहा है कॉकरोच तो हवा वहीं से आ रही है, लेकिन जब कॉकरोच दौड़ना शुरू करेगा तुम इसके पीछे चप्पल लेके दौड़ोगे तो यार उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए बाकी के स्पाइरिकल्स भी खोलने पड़ेंगे. सो देयर आर टू पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स विच आर ऑलवेज ओपन. दो पेयर बेटा ऐसे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं. कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड पेयर, दे आर ऑलवेज ओपन. ठीक है. सो द फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स दे आर ऑलवेज ओपन. बाकी के कब ओपन होंगे? जब वो एक्टिविटी करेगा. तो होता क्या है, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन टर्गोस्टर्नल मसल बेटा कॉन्ट्रैक्ट करती है, हवा अंदर जाएगी, पहले ट्राकिया से जाएगी ट्राक्यूल, ट्राक्यूल से आगे किसके पास जाएगी? आपके टिश्यू के पास जाएगी. यस. अब इसी पाथवे से CO2 को वापस आना था, ट्राक्यूल, ट्राकिया एंड देन थ्रू स्पाइरिकल. बट बेटा CO2 बहुत कम ये रास्ता ट्रैवल करके आता है. मेजरली जो CO2 जाता है वो क्यूटिकल से, उनकी काइटिन से ही बेटा डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब होके बॉडी से बाहर निकल जाता है. बहुत कम इस उल्टे रास्ते यू टर्न लेके आता है, बट मेजरली बॉडी के सरफेस से ही निकल जाता है. ठीक है, देख लें. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्राकिया ओपनिंग थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स. बताते जाना समझ आया कि नहीं. थिन पेयर ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स ट्राकिया विल डिवाइड इनटू ट्राक्यूल्स. दे विल कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. ठीक है. द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर एंड एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस वाया डिफ्यूजन. यहां पर आकर जब इस जगह पर गैस पहुंच गई है टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाएगी एंड यहां से डिफ्यूज होके किसके पास चली जाएगी? टिश्यू के पास. ठीक है. यस क्लियर. चलिए अगला सिस्टम देख रहे हो बेटा कितनी तेजी से इसके सिस्टम खत्म हो रहे हैं. हमारा सिस्टम इतना करने में हमें तो बेटा 10-15 दिन लग जाएंगे, बट यहाँ पे 10-15 मिनट में सिस्टम खत्म. चलिए यही तो खासियत है कॉकरोच की. नेक्स्ट आता है बेटा जी एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच क्या है, यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं. ठीक है. सो एक्सक्रीशन वन विल अकर बाय मालपिजियन ट्यूब्यूल्स. एक नंबर पे आ जाएगा आपका मालपिजियन ट्यूब्यूल्स. ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. दे विल एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू यूरिक एसिड एंड वो हाइंडगट में डाल देंगे. हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है और एनस उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा. इन एडिशन टू दैट इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस. एक चीज याद रखना बेटा, ये जो यूरिकोस ग्लैंड है ना, ये आपको मेल कॉकरोच में मिलता है. किसमें मिलता है? मेल कॉकरोच में. तो चार चीजें हो गई आपके पास एक्सक्रीशन के लिए, मेजर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड आपके पास मेल्स में क्या मिल जाएंगे? यूरिकोज ग्लैंड. एक्सक्रीशन डन. यहाँ पे पोटेशियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनते हैं जो बॉडी से कलेक्ट होके मालपिजियन ट्यूब्यूल बनाता है एंड स्टोर भी करता है एंड उसको बॉडी से फिर बाहर भी निकलवा देता है हाइंडगट में डाल के. अब आते हैं बेटा जी इसके नर्वस सिस्टम पे. किस पे आना है? नर्वस सिस्टम. आ जाइए नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट है. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लियास. ये देखिए, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंड बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स. मैं आपको इमेजिनरी नर्वस सिस्टम बना के दिखाती हूँ. यस एवरीवन,
हेयर। बेटा ये जो पीडीएफ है ना, ये सब बच्चों को मिल जाती है। कहाँ मिलती है पीडीएफ? पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सेशन के तुरंत बाद पीडीएफ मिल जाएगी। और बेटा इसका टेस्ट भी है 1:20 पे, क्लास मैंने पिन करा दी है। सब बच्चे उस क्लास को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आज क्या आप में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आज हमारा 11th क्लास खत्म होने वाला है? बताइए, क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? आना तो चाहिए यार, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, सेगमेंटली अरेंज्ड। क्या मतलब है इसका? सेगमेंटली अरेंज का मतलब है आपको कुछ हिस्सा नर्वस सिस्टम का हर सेगमेंट में मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बींग सेगमेंटली अरेंज। थोरैसिक सेगमेंट में भी, एब्डोमिनल सेगमेंट में भी, सो सम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ईच सेगमेंट, राइट? एंड द फ्यूज्ड गैंग्लियंस आर कनेक्टिव बाय कनेक्टिव्स। क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? सबसे पहले बेटा कॉकरोच के ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन एज सच नहीं है, बट एक गैंग्लियन प्रेजेंट है इसोफेगस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। दिस इज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। इस सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलेंगे कनेक्टिव्स, दीज आर द कनेक्टिव्स, एंड दे आर गोइंग टू ज्वाइन द सब इसोफेजियल गैंग्लियन। दिस इज सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है बेटा, पता चल गया। अब ब्रेन ऑफ द कॉकरोच किसको बोलते हैं? सुप्रा को ही बोलते हैं। दिस इज डिनोटेड एज द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, ठीक है, यस। अब ये जो ब्रेन था, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन था, यहां से कुछ नर्व्स गई आपके एंटेना के पास, एंड यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी आपके कंपाउंड आईज के पास, ठीक है। अब बेटा इस सब इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलेंगे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्या निकली? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, यस, क्लियर। अब इस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में क्या प्रस्तुत है? 9 गैंग्लियन। क्या है बेटा जी इसके पास? 9 गैंग्लियन। ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी कि यार ये सेगमेंटली अरेंज्ड है, तो यार ये गैंग्लियन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में होंगे। कौन कौन से सेगमेंट में होंगे? इन 9 में से 3 प्रेजेंट है आपके थॉरेक्स में, बचे कितने? 6 प्रेजेंट है बेटा जी इसके एब्डोमेन में। बस यही है नर्वस सिस्टम, यही है नर्वस सिस्टम। सुप्रा इसोफेजियल, बेटा यहाँ पे इमेजिनरी इसोफेगस इमेजिन कर लेना। सुप्रा इसोफेजियल, सब इसोफेजियल। सुप्रा इज द ब्रेन, ठीक है, जहां से आपकी इंफॉर्मेशन गई एंटेने और कंपाउंड आईज के पास। सब इसोफेजियल से निकले डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब उसमें भी प्रेजेंट है गैंग्लियन, जिसमें से 9 गैंग्लियन में से 3 होंगे आपके थोरासिक रीजन में और 6 कहां पर होंगे? आपके एब्डोमिनल। अब आप पढ़ेंगे आपको एक एक लाइन समझ आएगी। ये देखिए बेटा, 3 गैंग्लियन यू विल सी इन केस ऑफ थॉरिक्स, ठीक है, 6 इन एब्डोमेन, बना लिया। नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, देख रहे हो, थॉरिक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है, हर सेगमेंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका पोर्शन हेड में बहुत कम होता है, बहुत कम। इसीलिए इवन इफ यू कट द हेड ऑफ द कॉकरोच, इट कैन सर्वाइव फॉर अराउंड 1 week। जब तक उसके पास यू नो स्टोर्ड फूड है, तब तक वो जिंदा रह सकता है। बच्चा पूछता है मैम 1 हफ्ते के बाद क्यों नहीं जिंदा रहेगा? क्योंकि बेटा तुमने हेड काट दिया तो माउथ भी चला गया, खाना थोड़ा खा पाएगा वो, खाना थोड़ा खा पाएगा। तो जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड की हेल्प से वो 1 हफ्ता तक जिंदा रह लेते हैं। नर्वस सिस्टम उनका हेड में है नहीं, तो जिंदा रहने के लिए उनको सिर्फ खाना चाहिए था जो उनके पास स्टोर्ड है, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा, तब बेटा कॉकरोच विल डाई, ठीक है। Yes, so now you can understand if we cut the head of the cockroach, it can survive for around 1 week. Yes, beta. चलिए, brain is represented by supraesophageal, which will supply nerve to antenna and compound eyes. मैंने आपको सारा बनाकर दिखा दिया। आप ये डायग्राम याद रखेंगे नर्वस सिस्टम का, आपको कभी ये चीजें भूलेंगे नहीं। एक एक लाइन मैंने आपको बनाकर दिखा दी। अब बेटा सेंस ऑर्गन की बात करें, दे हैव गॉट एंटेनास, जिसके पास टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। दे हैव गॉट आईज, सिंपल एंड द कंपाउंड आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर्काई, जो कि साउंड वाइब्रेशंस डिटेक्ट करता है। ये सब सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। कंपाउंड आईज के बारे में हमने देख लिया, दे आर सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द बॉडी, याद रखना है डॉर्सल पे। क्या किससे बनी हुई है? 2000 हेक्सागनल ओमेटिडिया से, एंड इस वजह से कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो हर ओमेटिडिया की इमेज बना सकता है, इसी वजह से कॉकरोच बेटा
एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बनाता है, इसी विजन को हम क्या बोलते हैं, मोजेक विजन. डन. दिस मोजेक विजन इज एप्ट फॉर नाइट, रात के लिए बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम होता है. क्या मतलब? कॉकरोच को हल्की सी भनक से पता चल जाएगा कि कोई है, चाहे उसे क्लियर ना दिखाई दे, रेजोल्यूशन तो है ही नहीं, बट सेंसिटिविटी बहुत हाई है. ठीक है, तभी बेटा कॉकरोच अलर्ट हो जाता है. तुम चप्पल ऐसे जितना स्लो लेके जाओ, ले जाओ स्लो, उसका बेटा ये सेंसरी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रांग है. ही विल डिटेक्ट दैट समथिंग इज कमिंग. चप्पल उसको नहीं दिख रही लेकिन कुछ तो आ रहा है बेटा, है ना. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द नॉक्टर्नल विजन. अब बात करते हैं लास्ट पार्ट, सबसे गंदा, दैट इज गोइंग टू बी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. दिक्कत आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बट आज के बाद नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, आज के बाद नहीं आएगी. यस, हाँ जी, क्या हो गया बेटा? वाह, इस टाइम पे आके बच्चे पूछ रहे हैं नीट ऑनलाइन नहीं हो सकता. यार बेटा, आज है 11, कल है 12 अगस्त. 12 अगस्त के बाद तुम्हारे पास एग्जैक्ट 30 डेज बचेंगे. 12 सितंबर को पेपर है. 12 सितंबर कैन चेंज योर लाइफ, कैन चेंज योर करियर. आप इस टाइम पे ये मत सोचिए कि नीट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है. बेटा ऑफलाइन ही है, अभी अचानक से ऑनलाइन टपक के नहीं आएगा. प्लीज़ थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन. ये जो लास्ट का एक महीना है सिर्फ रिविजन का है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना. मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा इसीलिए नहीं करा रही हूँ, नया नहीं करा रही हूँ, बिकॉज आई नो आपको कुछ भी नया कराया आप बेटा पैनिक में आ जाएंगे. आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है जितना आपने पिछले 2 साल या 30 साल में पढ़ा है. यस, हाँ जी, चलिए आ जाइए. बाकी अपनी तैयारी को एनालाइज जरूर करना है. मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए. एक मॉक टेस्ट आपका चल ही रहा है, 1:20 पे मैं लेती हूँ और 2 बजे भी लेती हूँ. आज एक ले पाऊंगी क्योंकि मैम की आज वैक्सीनेशन की डोज है. ठीक है, चलिए. कॉकरोच क्या है बेटा? हर्मेफ्रोडाइट तो नहीं है, दे आर एक्चुअली डायोशियस. सेक्सेस आर सेपरेट. ठीक है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. चलो जी आ जाओ, आ जाए बेटा. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहीं से समझते हैं. स्टार्ट कर लें बेटा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस. दिख रहा है? ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं. दिस इज वन टेस्टिस एंड दिस इज द सेकेंड टेस्टिस. कितने टेस्टिस हो गए? पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस दे आर प्रेजेंट इन 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट. कौन सी सेगमेंट? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, याद रखना है. क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सारा का सारा ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमेन में ही है, कुछ भी थॉरेक्स में नहीं है, ये भी चीज समझ गए हम. ठीक है, टेस्टिस से चलती हैं. ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ दीज फॉलिकल्स. दिख रहा है? दीज आर द फॉलिकल्स. 80 to 100 फॉलिकल्स होते हैं बेटा एक टेस्टिस में, और इसी टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म बनेंगे. ठीक है, स्पर्म बनने के बाद यहां ट्यूब के थ्रू आ जाएंगे. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज वास डेफरेंस. क्या नाम है बेटा जी इनका? वास डेफरेंस. ठीक है, दे आर गोइंग टू अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस. दोनों की दोनों बेटा वास डेफरेंस ओपन हो जाएगी मशरूम ग्लैंड में. दिस होल ग्लैंड इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड. क्या है बेटा? मशरूम की तरह देख ही रहा है. मशरूम पे ऐसे अम्ब्रेला से नहीं बनी होती, फंजाई है, आपने देखी हुई है, खाई भी हुई है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड. दिस मशरूम ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 types ऑफ टिब्यूल्स. ध्यान देना, ये लंबी लंबी टिब्यूल्स हैं जिनको लॉन्ग टिब्यूल्स बोला है. लॉन्ग टिब्यूल्स बेटा जी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रिकल मेजोर्स. क्या नाम देंगे इसको? यूट्रिकल मेजोर्स. समझ लेना, कभी भूलोगे नहीं. स्मॉल ट्यूब्स बेटा जी, ये जो अंदर की साइड पे आपको दिख रही है छोटी छोटी टिब्यूल्स, दीज आर द स्मॉलर टिब्यूल्स एंड दे आर कॉल्ड एज यूट्रिकल ब्रेवियोर. यूट्रिकल ब्रेवियोर. ठीक है, तो टेस्टिस में से स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद जाएंगे वास डेफरेंस के पास, देन आ जाएंगे इस मशरूम ग्लैंड के पास. ठीक है, अब ये दोनों स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स की अपनी अपनी सिक्रीशन है जो स्पर्म के ग्रुप के अराउंड कवरिंग बनाएंगे और स्पर्म्स को नरिश करेंगे. ठीक है, देन आता है बेटा यहां से चलती है एक डक्ट. दिख रही है? दिस इज कॉल्ड एज इजैक्युलेटरी डक्ट. ह्यूमन की बात करें तो कितनी इजैक्युलेटरी डक्ट होती है? 2 होती है. लेकिन कॉकरोच की बात करें, देयर इज गोइंग टू बी अ सिंगल इजैक्युलेटरी डक्ट एंड दिस इजैक्युलेटरी डक्ट इज गोइंग टू ओपन इन टू द मेल गोनापोफाइसिस और द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल. ठीक है, अब यहां पे
इस इजैकुलेटरी डक्ट के पीछे वाली साइड पे बेटा प्रेजेंट होता है एक सेमिनल वेसिकल, ग्लिस्टनिंग सा सैक होता है, यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि बैक साइड पे प्रेजेंट है। दैट सेमिनल वेसिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को स्टोर करते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है बट देयर इज सेमिनल वेसिकल ऑन द बैक साइड ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एज वेल। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक फैलिक ग्लैंड, कैन यू सी दिस, देयर इज अ फैलिक ग्लैंड, यस, फैलिक ग्लैंड की डक्ट पीछे से होती हुई आ रही है। ये भी कहां पर ओपन होती है, मेल गोनापोफाइसिस में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ये आपका फैलिक ग्लैंड है, ये पीछे से बेटा आएगी मशरूम ग्लैंड के इसकी डक्ट और ओपन हो जाएगी यहां पर, यस। अब फैलिक ग्लैंड करता क्या है, फैलिक ग्लैंड, इजैक्युलेटरी डक्ट और ये मशरूम ग्लैंड मिलके स्पर्म के ग्रुप के अराउंड कवरिंग बनाते हैं। देखो कॉकरोच अकेला स्पर्म नहीं रिलीज करता, स्पर्म के ग्रुप्स बनते हैं, उसके अराउंड एक लेयर्स बनती है, थ्री लेयर स्ट्रक्चर बनता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटोफोर, क्या बोलते हो बेटा जी, स्पर्मेटोफोर। तो लेट मी ड्रॉ स्पर्मेटोफोर फॉर यू, आ जाइए, स्पर्मेटोफोर, ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ग्रुप ऑफ स्पर्म्स, ये बेटा स्पर्म्स आए बड़े सारे। नाउ द स्पर्म्स बेटा जी सराउंडेड बाय इनर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर की बात करें, ये देखिए दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज सिक्रेटेड बाय यूट्रिकल मेजोर्स, जो बड़ी वाली ट्यूब्स थी ना, दिस इज सिक्रेटेड बाय यूट्रिकल मशरूम ग्लैंड, यूट्रिकल मेजोर्स मशरूम ग्लैंड की, ठीक है, बड़ी वाली ट्यूब्यूल्स। देन बेटा इसके अंदर वाली लेयर, चलते हैं थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बाहर का मतलब है द मिडल लेयर, मिडल लेयर इज गोइंग टू सिक्रेटेड बाय द इजैक्युलेटरी डक्ट, ये आ गई मिडल लेयर, दिस इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड बाय द इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है, एंड देन आती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड बाय द फैलिक ग्लैंड, जो अभी दिखाया था, This is going to be secreted by the phallic gland. ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा, स्पर्मेटोफोर। तो कॉकरोच के अंदर स्पर्म्स का इकट्ठ निकलता है, ग्रुप निकलता है, सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स, पहली आती है बेटा मशरूम ग्लैंड के द्वारा, दूसरी आती है इजैक्युलेटरी डक्ट के द्वारा, तीसरी आती है आपकी फैलिक ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, यस yes, अब रीड कर ले, अब रीड कर ले, आपको एक एक लाइन समझ आएगी, ना आए तो मुझे बताना कौन सी लाइन समझ नहीं आ रही, चलिए आ जाइए। सबसे पहले आते हैं बेटा टेस्टिस पे, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, याद रखिएगा, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ वास डिफरेंस, देख ली वास डिफरेंस, विच विल ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमिनल वेसिकल, पीछे वाली साइड वहां सेमिनल वेसिकल है, एंड अल्टीमेटली वो किसमें ओपन हो जाएगी, सिंगल डक्ट दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट बेटा बाहर खुलेगी मेल गोनोपोर में, ठीक है, देन अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, नंबर याद रखना, 4 to 6 में टेस्टिस, 6 to 7 में मशरूम ग्लैंड, विच सर्व्स एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं, मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमियर, स्पर्म्स बेटा जी दे आर स्टोर्ड, पूछा जाता है स्पर्म्स कहाँ स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल में, आपस में चिपक के बंडल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, और कॉपुलेशन के वक्त यही स्पर्मेटोफोर आगे जाकर रिलीज होता है, ठीक है, अकेला स्पर्म रिलीज नहीं होता, यही स्पर्म के बंडल्स जिनको आपने स्पर्मेटोफोर बोला है यही रिलीज होते हैं। इज दिस क्लियर, चैट सेक्शन में बताइए, कम ऑन गाइस, समझ आया, कम ऑन, इज दिस क्लियर, समझ आ गए तो सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे, लास्ट रह गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, यस, गुड 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 गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हाँ जी, कमिंग टू द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस, ये बेटा जी अपना फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, दिख रही है, दीज आर योर ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज कौन सी से कौन सी एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट,
देख रहे हो सेकंड टू सिक्स, ठीक, टेस्टिस थी फोर टू सिक्स, ये है सेकंड टू सिक्स। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है बेटा ओवेरियोल्स, दीज आर ओवेरियोल्स। एक ओवरी के अंदर आपको कितने ओवेरियोल्स मिलते हैं, एट ओवेरियोल्स मिलते हैं। सो ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवेरियोल्स, ठीक है, क्या है बेटा जी यहां पर ओवेरियोल्स, जिसके अंदर ओवा डेवलप करता है, एट इन ईच ओवरी। तो आठ यहां पे, आठ यहां पे, टोटल कितने एग साइमल्टेनियसली बन सकते हैं, सोलह बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। एट एग्स बेटा यहां बन रहे हैं, एट एग्स यहां बन रहे हैं, क्योंकि इसके पास भी एट ओवेरियोल्स है जिसमें एक ओवा डेवलप कर रहा है, एक ओवेरियोल के अंदर एक ओवा, इसके पास भी एट है, तो टोटल सोलह एग्स एक टाइम पे रेडी हो रहे हैं, ठीक है, दे आर डेवलपिंग इन दीज ओवेरियोल्स। यहां से एग निकल के कहां पर आएगा, इस ओविडक्ट में, ठीक है, ओवा कैरी करने वाली डक्ट ओविडक्ट। दिस ओविडक्ट इज गोइंग टू ओपन इनटू अ कॉमन ओविडक्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज वजाइना। क्या नाम दे दोगे बेटा जी, वजाइना। एंड वजाइना इज गोइंग टू ओपन इनटू दिस चेंबर व्हिच इज कॉल्ड एज जेनाइटल पाउच। ये जो पूरा चेंबर आपको दिखाई दे रहा है जेनाइटल पाउच, एक बार रीड कर ले। हां जी, ओके, स्टार्टिंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हाँ जी यहां ध्यान देना, टू लार्ज ओवरीज, समझ गए, लैटरली फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। ईच ओवरीज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स, ठीक है, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। हर ओवेरियोल के अंदर एक ओवा डेवलप कर रहा है, पहले यू नो उसकी डिविजन हो रही है, यस, विच विल ओपन इन टू ओविडक्ट एंड देन इन टू जेनाइटल चेंबर। अब आप ध्यान देंगे यहां पर दैट देयर इज अ पेयर ऑफ स्पर्माथीके, दिख रहा है बेटा, दो स्पर्माथीके भी प्रेजेंट होंगे। दिस इज द स्पर्माथीके जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं। बच्चे को लगता है स्पर्माथीके ये तो मेल में होना चाहिए, नहीं बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल का स्ट्रक्चर है। स्पर्माथीके इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच नॉट मेल। कितने पेयर, दो प्रेजेंट है, कहां, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे, याद रखेंगे, ठीक है, हां जी, सिक्स सेगमेंट विच विल ओपन इन टू द जेनाइटल चेंबर। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, ठीक है, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स दे आर एनकेस्ड इन अ कैप्सूल विच इज कॉल्ड एज ऊथीके। यहां देखिए जरा, ऊपर से बेटा जी एग आया, यहां से स्पर्म आए, दोनों यहां पर आकर फ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, क्या बन जाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग बन जाएंगे। एंड ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग बेटा इकट्ठे प्रेजेंट होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी कवर्ड बाय अ केस, दैट केस इज कॉल्ड एज ऊथीका। वो ऊथीका किसने सिक्रीट किया बेटा, ये जो पेड़ की तरह ग्लैंड दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज कोलैटेरियल ग्लैंड। क्या नाम है बेटा जी इसका, कोलैटेरियल ग्लैंड। ये सिक्रीट करते हैं केस, केसिंग मतलब कवर, जैसे होता नहीं कि स्पेक्स की जो केसिंग आती है जिसमें आप अपनी स्पेक्स रखते हो, वैसे ही ये सारे एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स किसके अंदर स्टोर होते हैं, ऊथीका केस के अंदर, जिसको सिक्रीट किया है आपके कोलैटेरियल ग्लैंड्स ने। अब कितने ऊथीका होते हैं, टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ ऊथीका, ये केस है, इस केसिंग के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी 9 to 10 ऊथीका, ठीक है। हर ऊथीका के अंदर ऐसे दो रोज में एग्स प्रेजेंट होते हैं, वन रो एंड देन सेकेंड रो। एक ऊथीका के अंदर कितने एग्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 14 to 16 एग्स, 14 to 16 एग्स। तो आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो बेटा, एक टाइम पे कितने फर्टिलाइज्ड एग्स निकलेंगे यहां से। देखिए 16 एग्स है, ध्यान देना 16 एग्स है और 10 ऊथीका है, एक टाइम पे कितने एग्स निकले फीमेल कॉकरोच से बताइए। 16 केसेस बने हुए हैं एंड हर केस में, सॉरी 10 केसेस बने हुए हैं, हर केस में 16 ऊथीका है, कितने एग्स निकले बताइए, मल्टीप्लाई करना है यार। यस, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड, वेरी गुड, एक ही बच्चा मल्टीप्लाई करना आता है और किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना आता। हाउ मेनी एग्स दे आर रिलीज्ड, दैट इज गोइंग टू बी बेटा जी 160। यस, एक समय पर कितने एग्स रिलीज हो सकते हैं बेटा जी, 160। तो आप देखते हो, अगर आपके पर आपके घर में एक भी कपल है कॉकरोच का, तो कितने नए कॉकरोचेस बन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको ज्यादा ग्रो नहीं करने देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर सीरियस एंड वेरी एक्टिवली डिवाइडिंग पेस्ट।
ठीक है, ऊ थी का बेटा जी, दे आर डार्क रेडिश ब्राउन कैप्सूल एंड दे आर ड्रॉप्ड इनटू सम प्लेस जहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो। ये अपने एग्स को कहाँ पर छोड़ते हैं बेटा, जहाँ पर क्रैक्स होते हैं, जैसे जो हमारी किचन के अंदर दो कबर्ड्स के बीच में क्रैक्स हैं, वहाँ अगर हल्का सा भी इनको डैम्प एरिया मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी इनके एग्स को ग्रो करने की, तो वहाँ पर ये अपने ऊथीका को ड्रॉप कर देते हैं। ऑन एन एवरेज कितने ऊथीका होंगे, 9 to 10 कंटेनिंग 4 to 16 एग्स, एक के अंदर 4 to 16 एग्स। डेवलपमेंट इज बेटा बाई ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, कैसे डेवलपमेंट है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस एंड दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। क्या बोलते हो, पोरोमेटाबोलस, मीनिंग द डेवलपमेंट इज गोइंग टू अकर वाया निम्फल स्टेजेस। कितनी निम्फल स्टेजेस बनती है बेटा जी, 13 निम्फल स्टेजेस बनती है टू रीच द एडल्ट। वैसे तो निम्फ एडल्ट की तरह ही दिखता है, बस उसका साइज छोटा होता है, बस एक अंतर होता है कि जो सेकेंड टू लास्ट निम्फल स्टेज होती है उसके पास विंग पैड्स आ जाते हैं और एडल्ट के पास एक्चुअल में विंग्स आते हैं। ठीक है, सो निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग, मोल्टिंग मतलब स्किन की शेडिंग, उनका काइटिन शेड होता है, मोल्टिंग करते हैं, एक डाइसिस करते हैं और फिर वो एडल्ट में बनते हैं। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेजेस हैज गॉट विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच दे हैव गॉट विंग्स, बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस साइज छोटा होता है। ठीक है, कॉकरोचेस बेटा दे आर वाइल्ड एंड ऑफ नो नोन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कोई काम तो आते नहीं है। ठीक है, बाकी बेटा हमारे खाने को ख़राब करते हैं, दे कैन कंटामिनेट द फूड एंड दे कैन रिलीज स्मेली एक्सक्रीटा, बहुत सारे डिजीजेज भी बेटा इनसे हमको हो सकती हैं, इसीलिए इनका कंट्रोल करना अति आवश्यक है। एक बारी मैम को चैट सेक्शन में बता दो, सेशन को लाइक करके बता दो कि क्या ये सिस्टम आपको दोनों समझ आए, डिड यू अंडरस्टूड हाउ कॉपुलेशन इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग बेटा, अल्टीमेटली मेल्स ने रिलीज किए यहाँ से, मेल्स ने बेटा जी रिलीज किए यहाँ से स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर गए इसके स्पर्माथीके में, यहाँ से बेटा एग्स दोनों फर्टिलाइज करे, फर्टिलाइज करने के बाद केस के अंदर घुस गए, केस के अंदर देन दिस फीमेल विल ड्रॉप दिस ऊथीका एट सम ह्यूमिड प्लेस एंड वहाँ पर जाकर इनकी मेटामॉर्फोसिस होगी, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होगी एंड अल्टीमेटली दे विल कन्वर्ट इनटू एडल्ट्स। इज दिस क्लियर, क्लियर, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अब बेटा हम मिल रहे हैं एक टेस्ट के लिए, टेस्ट होने वाला है आपका अनअकैडमी की ऐप पर 1:20 पे, लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट सेक्शन में, तो प्लीज सबसे पहले जाकर उस लिंक पर क्लिक करो एंड एनरोल पे एनरोल हो जाओ, मतलब अंदर घुस जाओ ताकि तुमको नोटिफिकेशन आए। जब आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे जो कि दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिलेंगे फॉलो करने का ऑप्शन, फॉलो कर लेना ताकि आपको मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आता रहे। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन जाते जाते सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना। बाकी जो बच्चे क्लास 11th के हैं एंड जो बच्चे क्लास 12th के हैं वो मैम के साथ मैम के प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास ऑफर चल रहा है 2 ईयर के साथ 2 मंथ्स एंड 1 ईयर के साथ भी 2 मंथ्स बिल्कुल फ्री, तो मॉनेटरी टर्म्स में आपका बहुत बेनिफिट होगा। बैच मैं आपको बता देती हूँ बेटा, मेरा एक संजीवनी बैच ऑलरेडी चल रहा है, एक नया बैच स्टार्ट हुआ है कल जिसका नाम है विजय भव बैच, देख रहे हो ये है मैम, है ना, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो विजय भव इज फ्रेशली स्टार्टेड बैच, कल बहुत सारे बच्चों ने इसका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया है। आइकॉनिक का अलग बेनिफिट है क्योंकि वहाँ पर आपको एक तो पर्सनल सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, नोट्स की कॉपी आपको घर पे मिलती है, हार्ड कॉपी मिलती है, पीडीएफ तो रहेगी रहेगी, एंड साथ में बेटा जी आपको स्टडी प्लानर, पूरी एनालिसिस एंड एक पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है। तो विजय भव बैच में आप आइकॉनिक के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बैचेज है, अर्ली अचीवर है, संघर्ष है, दिशा है। एक बात मैं बता दूँ बेटा, अगर आज जैसे मैम की वैक्सीनेशन की डोज है तो आई एम नॉट श्योर हाउ एम आई गोन ऑफ फील टुमारो। सो वैसे तो मैंने कल के लिए 12th का चैप्टर रख दिया है ह्यूमन हेल्थ, बट मुझे पता नहीं है कि मैं उसको ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट प्लीज समझ जाना कि अगर सेशन नहीं हुआ तो ये रीजन था। यस, बाकी बेटा आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे मैम के साथ जुड़ सकते हैं विजय भव में या फिर आइकॉनिक में जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आपको डाउट में इंटरैक्शन मिल रहा है, ऑडियो इंटरैक्शन मिल रहा है। ठीक है, एंड पीडीएफ्स भी मिलती हैं अगर आप आइकॉनिक लेते हैं। आइकॉनिक से अच्छा मुझे आज तक कोई सब्सक्रिप्शन लगा नहीं है। क्यों बेटा, ये आपके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पर नोट्स मिलते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी बोथ,
आपको यहाँ पर मैम की पर्सनल गाइडेंस मिलती है, क्योंकि मैम आइकॉनिक का पार्ट है। आई एम वन ऑफ द पैनलिस्ट, और सिर्फ आपकी क्लासेस नहीं, मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स भी वहाँ पर लेती हूँ। दूसरी चीज़ बेटा, आपको एक एडिशनल पर्सनलाइज्ड कोच मिल जाएगा जो सिर्फ आपके साथ काम करेगा। आपको एक प्लानर मिल जाएगा, आप टॉप बैचेस में एनरोल हो पाएंगे। कैसे? बाय यूजिंग दिस कोड सीप लाइफ। सो द कोड दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर एनरोलिंग इन द टॉप बैचेस फॉर द पर्सनल गाइडेंस, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ। ठीक है, बाकी ब्रांडेड नोट्स का अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं, कॉपी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अनअकैडमी के नोट्स देख सकते हैं। तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट्स के डाल दिए ताकि आपको आइडिया लग पाए। देखो, तुम नोट्स देख के, मुझे पता है, फिसल जाओगे। नोट्स देख के तुमको कौन सी पसंद आएगी? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही पसंद आएगी, क्योंकि वो नोट्स अनअकैडमी के बेस्ट टीचर्स हमने बेटा खुद क्यूरेट किए हैं, बनाए हैं, रिव्यू किए हैं, उसमें क्वेश्चंस डाले हैं नए से नए, तो दे आर हाई क्वालिटी नोट्स जो आपको मिलते हैं आइकॉनिक और प्लस में। बाकी अगर इस सेशन में आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो यू कैन इन्फॉर्म अस, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जो बच्चे 2021 वाले हैं वो ध्यान से सुन ले, आप लोगों, आपको प्रोडिजी में अपियर होना है। बाकी बच्चों के लिए तो ऑप्शनल होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, उनके लिए कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने रैंक को एनालाइज करें, ठीक है? क्योंकि हर साल जितने बच्चे नीट में बैठते हैं उतने ही प्रोडिजी में बैठते हैं, तो प्रोडिजी में टॉपर्स बैठते हैं, टॉपर्स के साथ आपका कंपैरिजन होगा, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू विन। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, मैकबुक, आईफोन 12, आईपैड, अमेजन एक्ो, अमेजन वाउचर, ये सब सेकेंडरी है। This all is secondary. Primary क्या है? Primary है बेटा जी आपका analysis, ठीक है? जो analysis आपको मिलता है prodigy में। और देख लो यहाँ पे शोएब आफ्ताब को तो तुम जानते हो, कार्तिक अग्रवाल को भी जानते हो, इन्होंने भी पिछले साल प्रोडिजी दिया था, एंड जो रैंक इनका प्रोडिजी में आया वही रैंक के आसपास इनका नीट में रैंक आया। सो एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडिजी का, एनरोल कर लीजिए। जस्ट आपसे कोड मांगेंगे, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ, ठीक है? बाकी मैं PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। एंड अगली, आज मैंने एक ही क्लास रखी है 1:20 पर, लिंक मैंने पिन कर दिया है, तो सब बच्चे क्या कर लीजिएगा, एनरोल। आज का सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक इट, शेयर इट, फैला दो। एंड अब हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे अपना क्लास 12th। क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वी आर ऑलरेडी डन, हम कर चुके हैं इसमें, ठीक है? तो हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। तब तक एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।